हेलो गाइस, Realme 9 Pro 5G मॉडल को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट मिल रहा है जिसमें कि मई 2023 का सेफ्टी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करा गया है जिससे कि कुछ हिडन बग्स थे वो भी सही हो गए, विनरेबिलिटीज जो थी सिक्योरिटी को लेके वो भी सही हो गई हैं। अब आपकी डिवाइस पहले के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल है। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट आया है Realme 9 Pro Plus 5G का, उसका वर्जन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आप ध्यान से नोट करके रख लीजिए। और अपडेट की साइज जो है वो कोई खास बहुत बड़ी नहीं है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, एंड्रॉयड और टेलीकॉम न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, तो ये अपडेट जो है अपने सिस्टम सेटिंग्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये एपीआर न्यू है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि रोल आउट जो है वो बैचेस में चल रहा है, इसलिए सबको एक साथ तो नहीं मिलेगा, ये धीरे धीरे ही सबको मिलेगा। चेंज लॉक की बात करी जाए तो इसमें आपकी डिवाइस की सेफ्टी इंप्रूव कर दी गई, क्योंकि ये लेटेस्ट मई 2023 सिक्योरिटी पैच आपको मिल रहा है। तो ये इंश्योर कर रहा है कि जो क्रिटिकल बग्स होंगे उससे आप बचे रहेंगे और अवॉइड रहेंगे आप पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क के डिवाइस के। एडिशनल इसमें जो है कुछ बग्स फिक्स करे गए हैं जिससे आप देखेंगे कि आपके हैंडसेट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हो गई है। ठीक है, और इसमें कोई खास चेंज हुआ नहीं है कोई, और ये हो सकता है माइट भी यहाँ लिखा है, देखिए कि कुछ सीक्रेट इम्प्रूवमेंट हुए जो आपको इंस्टॉलेशन के बाद यूज करने के बाद ही पता चले। तो डाउनलोड करने से पहले अपने डेटा का एक बैकअप बना लीजिएगा, बैटरी को 50% चार्ज रखिएगा, और जो डेटा पैकेज होगा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा फिनिश होने के बाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।